हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीटेट सारथी। सीटेट 2020 वीडियो लेक्चर की इस वीडियो में आज हम जानेंगे जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के स्टेजेस के बारे में। जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में स्टार्टिंग की दो स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट की टू स्टेजेस के बारे में। वीडियो की शुरुआत करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से। ये जो वर्ड कंक्रीट आपको दिख रहा है, इस कंक्रीट का मतलब आप कंकड़ से समझ सकते हैं। क से कंक्रीट और क से कंकड़, यानी कंकड़ मतलब पत्थर। पत्थर हमें दिखाई देता है, यानी दिखाई देने वाली चीज़ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंक्रीट बोलते हैं। अगर मैं इसके हिंदी ट्रांसलेशन में आऊँ तो हिंदी में हम इस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। इसमें जो ये वर्ड मूर्त दिखाई दे रहा है, आप इसका मतलब मूर्ति से समझ सकते हैं। मूर्ति का मतलब मूर्ति हमें दिखाई देती है, यानी दिखाई देने वाली चीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। अब जो चीज़ दिखाई दे रही है, तो ऑब्वियसली बात है इस एज में या इस ऑपरेशन में, दिखाई देने वाले इस ऑपरेशन में बच्चा क्या करेगा, जो चीज़ उसको दिखाई दे रही है उसी चीज़ के बारे में वो तर्क वितर्क करना शुरू करेगा, उसी चीज़ के बारे में वो लॉजिकली सोचना प्रारंभ कर देगा। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, इसमें अगर मैं बच्चे से घोड़े के फंक्शन पूछूं तो बच्चा ईजिली मुझे इस घोड़े के फंक्शन डिस्क्राइब कर देगा, इस घोड़े की प्रॉपर्टीज़ के बारे में वो मुझे बता पाएगा, क्योंकि ये घोड़ा उसके लिए कंक्रीट है, यानी ये घोड़ा उसने कभी देखा है, ये घोड़ा उसके लिए मूर्त है, यानी ये घोड़े को उसने कभी देखा है। लेकिन इसी के स्थान पर अगर मैं बच्चे से अंतरिक्ष के बारे में पूछूं या ग्रहों के बारे में पूछूं, तो बच्चा मुझे इसकी प्रॉपर्टीज या इसके फंक्शंस नहीं बता पाएगा, क्योंकि बच्चे के लिए ये चीज़ अमूर्त है, इस चीज़ को बच्चे ने देखा नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ कि बच्चा इस चीज़ के बारे में लॉजिकली इस स्टेज में सोचता तो है, लेकिन किन चीज़ों के बारे में, फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में, जो चीज़ उसको दिखाई देती है उसे लेके बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करता है। दूसरी चीज़, अगर बच्चा लॉजिकल थिंकिंग कर रहा है, बच्चा तर्क वितर्क कर रहा है, बच्चा क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, तभी तो वह तर्क वितर्क कर रहा है। और इन्फॉर्मेशन का माइंड में होना ही क्या होता है, स्कीमा होता है, यानी जो पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में इकट्ठी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पियाजे की किस अवस्था में बच्चे में स्कीमा का विकास होता है, तो किस अवस्था में होगा, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में होगा, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा। इस अवस्था से एक क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि व्हेन डज द चाइल्ड थिंक्स लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स इज कॉल्ड, यानी जब बच्चा लॉजिकल सोचना शुरू करता है वो कौन सी अवस्था में करता है, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज वाली अवस्था में करता है। अब हम जानते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में जो पहली विशेषता होती है, इस स्टेज में बच्चे में कंजर्वेशन का गुण आ जाता है। अभी कंजर्वेशन का गुण होता क्या है, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि बच्चा किसी भी चीज़ को लेके वो दोनों वे में सोचता है। दोनों वे का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बच्चे से कहूँ कि ए ग्लास और बी ग्लास, अब मैं इस बी ग्लास का पानी इस बड़े बीकर में डाल देता हूँ और मैं बच्चे से पूछता हूँ कि ये बताना कि कौन से ग्लास में ज़्यादा पानी है, तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाला बच्चा मुझे साफ उत्तर ये देगा कि दोनों ग्लासेस में बराबर पानी है, क्योंकि इस अवस्था में आकर बच्चे में कंजर्वेशन के गुण का विकास हो जाता है। बच्चा ये समझ जाता है कि पानी दोनों में बराबर है, बस इसकी फिजिकल अपीयरेंस, जो उसकी आउटर अपीयरेंस है, वो बदली गई है। जबकि हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या पढ़ा था कि बच्चे में कंजर्वेशन के गुण का विकास नहीं होता है, लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में इस गुण का विकास हो जाता है। बच्चा ये जान जाता है कि दोनों ग्लासेस में बराबर पानी है, बस उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज की गई है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सीटेट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तीसरी चीज़ जो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में आती है, वो आता है सेरिएशन का गुण। अब ये सेरिएशन का मतलब क्या है, अब बच्चा सेरिएशन का मतलब आप सीरीज से ले सकते हैं, बच्चा किसी भी चीज़ को अब सीरीज में लगाना शुरू कर देता है, यानी बच्चा अब ये इजीली समझ जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बच्चा बड़े से छोटे के क्रम में किसी भी चीज़ को अब लगा सकता है। बच्चा सेंटीमीटर मीटर हाइट के अकॉर्डिंग या हम शेप्स के अकॉर्डिंग हर चीज़ को अब पहचान पाएगा।
जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है रिवर्सिबिलिटी का गुण। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है अब बच्चा इस स्टेज में आके समझ जाता है कि बर्फ़ को पिघलाकर पानी बनाया जा सकता है और पानी को जमा कर बर्फ़ बनाई जा सकती है। इसे ही हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी का गुण। अब जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम लोग हिंदी में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। अब ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का क्या मतलब है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो पहला गुण होता है वो होता है हाइपोथेसिस का। अब ये हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, यानी अगर हम बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम देंगे तो बच्चा उसका पहले खुद से सॉल्यूशन निकालेगा, इसी गुण को हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस का गुण। अगर हम इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखें तो अगर हम बच्चे को कोई रूल समझा दें तो बच्चा अगर उसका एग्जाम्पल खुद निकाल लेता है तो इसी हम गुण को बोलते हैं हाइपोथेसिस, जिसे हम हिंदी में परिकल्पना भी कहते हैं। दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। अब ये हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या हुआ कि बच्चा कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन होती हैं बच्चा रीजनिंग इस एज में करने लगता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। अगर मैं बच्चे से कहूँ कि माना राम की आयु बराबर एक्स वर्ष, तो बच्चा इन क्वेश्चंस को भी इस एज में सॉल्व करने लगता है। जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग वाले क्वेश्चन। या मैं आपसे कहूँ, आपने NCERT की किताबों में अक्सर देखा होगा कि 3 से 4 वर्ष की अवस्था का या 6 से 7 साल का जब बच्चा होता है, 3rd या 4th क्लास में जब बच्चा होता है, तब ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं जिनमें ये हमें मानना होता है कि लेट द एज ऑफ राम इक्वल टू एक्स ईयर, माना राम ने सोहन को एक्स रुपये दिए, वो इसीलिए नहीं होता। लेकिन जैसे ही बच्चा 11-12 साल का होता है, जैसे ही वो छठी या सातवीं क्लास में जाता है, तब हमें इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसका एकमात्र कारण यही है कि इस एज में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग शुरू होती है। अगर मैं इस एज में बच्चे से कहूँगा कि माना मोहन ने सोहन को एक्स रुपये दिए, तो बच्चा इस चीज़ को मान लेगा कि हाँ दिए होंगे। लेकिन अगर मैं यही बात प्री ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे से कहूँ तो बच्चा इस बात को नहीं मानेगा, बच्चा कहेगा नहीं दे के दिखाओ। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है क्रिएटिव थिंकिंग। बच्चा इस एज में थोड़ा बहुत क्रिएटिव होता है, बच्चा छोटी मोटी कैलकुलेशंस को अपने माइंड में ही करने लगता है। क्रिएटिव होने का मतलब, अगर मैं बच्चे को बॉडी पार्ट्स के नेम बताऊं तो बच्चा उन बॉडी पार्ट्स को रटेगा, तो हो सकता है कि बच्चा उनको रटे लेकिन बच्चा उनके लिए अपनी एक ट्रिक बनाएगा और बच्चा उसी ट्रिक के थ्रू उन बॉडी पार्ट्स के नेम को याद करेगा। इसी थिंकिंग को हम लोग बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। अब जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है इस तरह के क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया, ए इज़ टॉलर देन बी। ये बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस हम इनको कह सकते हैं। इनमें बच्चे की हाइपोथेसिस काम आती है, बच्चे को सोचना पड़ता है कि हाँ ए टॉलर है बी के, बल्कि ए और बी बच्चे के लिए अभी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, यानी वो उसके माइंड से परे हैं, ये कोई कंक्रीट चीज़ नहीं है ए और बी। लेकिन फिर भी बच्चा इन क्वेश्चंस को समझता है। इसे हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट वे में सोचना, यानी बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट वे में सोचना कौन सी स्टेज में शुरू होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में शुरू होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इन दो स्टेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को। डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ। अभी मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस एज में शुरू होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। बच्चा अमूर्त चीज़ों के बारे में भी इस स्टेज में सोचना शुरू कर देता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अ टीचर शोज 2 identical glasses फिल्ड विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ जूस इन देम, सी empties them into 2 different glasses, one of which is taller and the other one is wider. She asks her class to identify which glass would have more juice in it. Students reply that the taller glass has more juice. Her student have difficulty in dealing with. अगर मैं इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट देखूँ तो ये कंजर्वेशन का है, मैंने अभी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, लेकिन सीटेट वालों ने इस क्वेश्चन के आंसर में कंजर्वेशन ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो जो मिलता जुलता जो ऑप्शन होगा वो होगा डिसेंट्रिंग का गुण। अब ये डिसेंट्रेशन क्या होता है, मैंने पहली वीडियो लेक्चर में इसके बारे में बताया है कि एबिलिटी टू फोकस ऑन 2 things एट अ टाइम। अब हम इसमें ये कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि ग्लासेस तो 2 ही हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 3rd सही होगा, बट ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट जो इसमें लगा है वो लगा है कंजर्वेशन का। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज बाय जीन पियाजे मीन्स। अभी हमने डिस्कस किया था कि सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जब बच्चा फिजिकल अपीयरेंस को समझ जाता है, जब बच्चा
ये समझ जाता है कि ये आउटर अपीयरेंस की वजह से ये चीज़ ज़्यादा लग रही है। अभी बीकर वाला एग्जाम्पल भी आपको दिया गया था, तो इसका आंसर होगा सेकेंड, सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम इवन आउटवर्ड अपीयरेंसेस चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ये सभी वर्ड्स मैंने अपनी पहली वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं। पियाजे बात करते हैं एसिमिलेशन की, ये बिल्कुल सही है, लेकिन पियाजे जेटपीटी की बात नहीं करते हैं। पियाजे बात करते हैं अकोमोडेशन की, ये बिल्कुल सही है, लेकिन पियाजे स्कैफोल्डिंग की बात नहीं करते हैं। पियाजे ने आईक्यू की बात तो की ही नहीं है, क्रिएटिविटी का तो मतलब ही नहीं होता। नेक्स्ट जो लास्ट डी ऑप्शन है, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, ये दोनों वर्ड्स मैंने बहुत अच्छे से अपने पहले वीडियो लेक्चर में डिफाइन किए हैं, इसलिए इसका आंसर होगा डी। अभी डी आंसर इसका क्यों होगा वो हम जानते हैं। मैंने पहले वीडियो लेक्चर में बताया था कि पियाजे द्वारा ये चार वर्ड्स दिए गए थे। ये चार टर्मोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। इसीलिए ये चार वर्ड्स पियाजे द्वारा दिए गए थे। इन्हीं में से जो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन है, ये दो वर्ड्स हमने अभी ऑप्शन में देखे थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पियाजे प्री ऑपरेशनल स्टेज एक्सेप्ट, यानी इनमें से कौन सा एक पार्ट नहीं है, किसका, प्री ऑपरेशनल स्टेज का। जैसा कि हमने अभी जाना, कंजर्वेशन किस स्टेज का पार्ट था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का पार्ट था, लेकिन इसमें बात किसकी की गई है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की गई है, तो इसका मतलब ये कंजर्वेशन तो कौन से पार्ट से है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से है। ईगोसेंट्रिज्म पहली स्टेज से शुरू होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज तक भी रहता ही है। एनिविज्म तो होता ही है, और ई रिवर्सिबिलिटी का गुण भी प्री ऑपरेशनल स्टेज में पाया जाता है। इसलिए जो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पियाजे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एक्सेप्ट, यानी इन तीनों में से कौन सा एक पार्ट पियाजे के कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का पार्ट है। अभी हमने बात करी थी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा इंडक्टिव रीजनिंग, स्पेशल थिंकिंग, लैफ ऑफ कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी। इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लेकिन अभी हमने पानी से बर्फ़ और बर्फ़ से पानी वाला एग्जाम्पल याद किया था, वो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, तो इसलिए ये इसका सही आंसर होगा रिवर्सिबिलिटी, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी का गुण कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में पाया जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वाइगोस्की के थ्योरी के बारे में जानेंगे और डिस्कस करेंगे पियाजे और वाइगोस्की से संबंधित मिक्स्ड एमसीक्यूज़ को। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इस वीडियो से किसी भी तरीके की हेल्प अगर आपको मिल रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।